ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਇਹਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਲਾਸ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਫਾਰੂਕ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੰਤਨ। ਚਿੰਤਨ, ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP। थैंक यू सो मच रिपुन, थैंक यू। चिंतन, मतलब क्लास के जो बच्चे हैं उनको रिजल्ट में अच्छे मार्क्स मिल ही गए फिर फाइनली। हाँ यार, फिलहाल तो टॉप कर रहे हैं हम। पढ़ाई में ऐसे थे आप? हाँ यार, एक्चुअली मेरा यही सीन था, मैं हमेशा बहुत पढ़ता था, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त दोस्त नहीं थे, मैं किताबों में ही रहता था, और वो भी ऐसी किताबें नहीं जो लाइक नॉवेल है या कुछ कोई आउट ऑफ सिलेबस किताब है, सिर्फ एकेडमिक बुक्स किताबें यही सब पढ़ता था, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, जो मुझे जहाँ पर मार्क्स लाने होते हैं वो चीज में पढ़ता था, क्योंकि मुझे वो गाजर लटका के देना पड़ता है कि हाँ ये तुम करोगे तो ये मिलेगा। लगी रहा भी पढ़ पढ़ के, इतना पढ़ लिया अभी बाल कटाने भूल गए। वैसे एक बात तो है, जो कर्ली हेयर वाले होते हैं ना, इनके कमाल है ये बंदे, ये बड़े यूनिक होते हैं। हाँ, अरे मुझे लगता है उनको क्या होता है, बताया कि उनको अलग दिखना होता है सबसे, तो अलग दिखना होता है उसका मतलब अलग बिहेव भी करते हैं वो, एंटरटेनिंग बनने की ट्राई करते हैं, तुम कंपनी मेरी कंपनी में हो तो तुम एंटरटेन रहोगे पूरे टाइम। तो आई थिंक वही साइकोलॉजी से मेरे भी बाल मैंने ऐसे रखे कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। नहीं, ज्यादातर आजकल ये ट्रेंड चल गया, लोग करवाते हैं, आपके भी नेचुरली हैं कि करवाएं? गर्ल्स? हाँ। नहीं यार, मेरा पता है क्या सीन था, मेरा बचपन में आई थिंक स्ट्रेट था पूरा बाल, और आउट ऑफ नोवेयर मैं 12वीं जब पास किया अपने आप कर्ली होने लगे। मेरे पापा जी के बाल कर्ली है, लाइक बचपन में भी कर्ली थे, जब वो 30s में थे तब भी कर्ली है, तो मुझे लग रहा है वो आ गया है मेरे में, वो जीन्स आ गए मेरे बालों के, और हाइट के भी, मेरे पापा भी बहुत लंबे, और मेरी मम्मी जी का रंग आया है मेरे पे। क्लास जो है कि इंग्लिश सीरीज एलीट है, उसका अडैप्टेशन है, आपने वो सीरीज देखी थी एलीट? मैंने नहीं देखी थी, इनफैक्ट मुझे तो ना बोला गया था, क्योंकि क्या है कि फारूक वहां पर ओमार है, और ओमार कैरेक्टर बड़ा अलग है, क्योंकि अभी सेम चीज स्पेन में, जैसे मेरा कैरेक्टर जो है वो एक डीलर है, पेडलर है, तो पेडलर अगर स्पेन में है वो एक डिफरेंट पूरा सिनेरियो होता है, सेम सीन यहाँ पर दिल्ली में अगर कोई ये कर रहा है तो बड़ा अलग हो जाता है, उसका रुबाव अलग होता है, जैसे वो बड़ा लोकल रहता है, वहां पर वो डरा डरा सा था, थोड़ा टिमिड सा रहता था, मतलब उसके हाव भाव एज अ कैरेक्टर, यहाँ पर मैं बिल्कुल अलग हो जाता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे बात करता हूँ क्या कर रहा है, पर अगर वहां पर मैं होता तो ऐसे पूछता है तू क्या कर रहा है, सो वो डिफरेंस है, तो इसलिए मुझे बोला था कि कॉपी ना करना, देखना ही मत तू, तो स्क्रिप्ट ही तेरा अलग है, क्योंकि मेरा और एक कैरेक्टर जो गुरफते पीरजादा जी प्ले कर रहे हैं, उनका भी कैरेक्टर का थोड़ा राइटिंग डिफरेंस है, थोड़ा उनका रुबाव अलग है। फ्रैंकली स्पीकिंग चिंतन, कल ही मैंने शुरू की है सीरीज, ये नहीं कि मैंने देख लिया, मैंने अभी तक 2 एपिसोड देखे हैं, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि पूरा अडेप्टेशन वहाँ से किया, कुछ इंडियन मटेरियल, इंडियन मसाला डाल के स्टोरी को थोड़ा सा इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है, विच इज़ गुड। और जैसे आपको मना किया गया था कि आपने एलीट नहीं देखना, पर फिर भी अपने करेक्टर को फिर आपने कैसे पकड़ा, कि अगर आपके पास रेफरेंस नहीं था उसके बावजूद आपने तैयारी कैसे करी थी? तो यार ये बड़ा लंबा प्रोसेस था एक्चुअली मेरे लिए, तो क्योंकि मैं आता हूँ गुजरात से, ठीक है, तो गुजराती हूँ मैं, मैंने 18 साल मेरे लाइफ के वहां पर ही बिताया, फिर मैं बॉम्बे आया था, और एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी, मैं भी आप आगे मैं बताऊंगा आपको अगर आएगा वो टॉपिक तो, पर फिर मेरे लिए पहली बात ये कि साथ ही बह जाओ, आज भावनाओं में बह जाओ फारूक, ठीक है चलो वही करते हैं, कि 18 साल में वहां पर रहा था, और फिर वहां पर ही मैंने थिएटर किया, इनफैक्ट मैंने प्रतीक गांधी के साथ भी एक प्ले किया, प्रतीक गांधी जो स्कैम 92 में आए थे, वो भी बड़ा फेमस हो गया था उनके स्ट्रगलिंग डेज में भी। हाँ जी, उनके स्ट्रगलिंग डेज में, नहीं उनका स्ट्रगलिंग डेज तो पता नहीं, बट वो थिएटर में तब वहां पर बहुत जाने जाते हैं, गुजरात में प्रतीक बहुत जाने जाते थिएटर के लिए, और मैंने उनके साथ एक प्ले कर रखा है, एक ही प्ले किया, और वो भी बड़ा छोटा सा, तब मैं क्योंकि एक तो मैं था भी 11th स्टैंडर्ड में, तो बड़ा छोटा सा लाइक एक दो लाइन का रोल किया था मैंने, तो आई डोंट थिंक उनको याद होगा, याद नहीं होगा, पता नहीं, अगर वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। 12वीं के बाद मैंने 11वीं 12वीं में इतना पढ़ लिया था, फिर मैं एक अच्छी कॉलेज में चला गया था, IIIT बैंगलोर में और कर्नाटका में एक्चुअली, सॉरी, तो वहां पर मैंने बहुत
पहले महीने में ही इतना पढ़ाई देने लगे, पहले महीने में ही इतना काम देने लगे कि मुझे लगा कि डिफरेंस क्या है, सब सेम ही तो है। तो मुझे अभी एक्टिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, और मैं तो वो भी कॉम्पिटिटिव, तो मैं वहां पर प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ूंगा, तो बेटर है कि मैं निकल जाऊं। तो मैं अपने पापा जी को बोले बिना रिफंड लेके गुजरात वापस चला गया था, और वो पहले महीने में ही हो गया था। और वहां पर जाकर मैंने पापा जी को बोला कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है अच्छा और मुझे एक्टिंग करनी है, और उनका जवाब था साइलेंस 3 महीने के लिए, कोई जवाब नहीं था उनका। तो फिर 1 साल में वहां पर रहा था, मैंने हाँ पूरा अपने क्राफ्ट पे काम किया, और मैंने पोएट्री शुरू कर दी थी, मैं हर जगह कविताएं ओपन माइंड्स में जाता था, अपनी लिखने लगा था, ये सब 1 साल के। और फिर मैंने उनसे भी बोल दिया था कि चलो मैं इंजीनियरिंग करूंगा पर बॉम्बे जाकर करूंगा, वहां मैं एक्टिंग भी कर पाऊंगा और इंजीनियरिंग भी कर पाऊंगा, तो आपका भी सपना पूरा और मेरा देखते होता है यानी। क्या बात। तो फिर मैं, हाँ, तो मैं नेक्स्ट ईयर 2018 में आ गया था बॉम्बे, और ऑडिशन देने लगा, पोएट्री भी करने लगा, थिएटर वापस स्टार्ट कर दिया, हिंदी थिएटर करने लगा, पहले मैं गुजराती करता था, तो ये सब था। तो अभी मेरे लिए फॉर द कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर है कश्मीरी मुस्लिम जो दिल्ली आता है, मतलब दिल्ली रह रहा होता है कुछ सालों से, और फिर वो वहां पर उसका पूरा सेटअप होता है, तो उसका डायलेक्ट पकड़ना वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरा डायलेक्ट अलग है। तो मेरे लिए एक डायलेक्ट कोच था, मेरे लिए वो एक एक्टिंग कोच भी था, वो तो हम सबके लिए था, बट एक्टिंग कोच नहीं, डायलेक्ट कोच को खोजा था मेरे लिए, और मैं हर रोज उनसे बातें करता था ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं अभी। दूसरी चीज थी जो सबसे हार्ड थी कैरेक्टर के लिए और मेरे लिए भी, वो थी स्मोकिंग, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ। तो ये सब इतना मेहनत किया मैंने, डायलेक्ट पे मेहनत किया, एक्टिंग पे मेहनत किया, स्क्रिप्ट मैंने पूरी अच्छे से पढ़ी, मैंने अपने नोट्स बनाए कि कैरेक्टर पूरा ओरिजिनल रहे, मैंने लोगों से बात किया, पर एक चीज जो मैं नहीं कर पा रहा था वो था स्मोकिंग। जब हमारा लुक टेस्ट हुआ, जब हमारा केमिस्ट्री टेस्ट हो रहा था मेरा और मेरे को एक्टर का, तो स्मोकिंग का एक सीन था, तो सब चीज अच्छी लग रही थी, डायरेक्टर आके बोली तेरे को स्मोकिंग नहीं आता क्या, तू नहीं करता? मैं नहीं करता मैं। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो तुम्हें करना तो पड़ेगा, तो फिर मेरे लिए वो हर्बल सिगरेट्स लेकर आते थे, तो मैं वो हर रोज दो तीन करता था, कि चलो ऐसा ना लगे कि कोई नया इंसान फूक रहा है जिसको आती भी नहीं है। तो तो अब आदत तो नहीं पड़ अभी गई पहला, है हाँ मेरे जी भाई, आदत तो नहीं पड़ गई अब। तो सॉरी यार, ये तो मेरी तो आदत है यार, मैं तो नहीं जाता हूँ जगह, नहीं तो नहीं हाँ मैं ये ये है बात कर रहा हूँ, मतलब। स्मोकिंग की तो नहीं पड़ गई है आदत। अच्छा, वो ऐसा बोल रहा हाँ हूँ, नहीं यार नहीं पड़ी है, क्योंकि वो हर्बल सिगरेट्स थी, ऐसा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नॉर्मल सिगरेट करता ना तो शायद पड़ जाती। ये वो बढ़िया हर्बल बात है। सिगरेट ऐसी होती है कि आप ना वो तुलसी पत्ते अगर सूखे हो उसको मिलाकर एक सिगरेट बना लो ना, वो होता है, तो उसकी क्या आदत वो होती। लगेगी हाँ उसको, तो आपको लगता है कब खत्म करना है इसको। तो ये एक चीज थी, बट आपने अगर पहला सीन भी अगर देखा होगा ना, मेरा दूसरा सीन, सॉरी, मैं जब वो पेडलिंग का सीन है, मेरा पहला इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ सीन है, जब जहाँ पर मैं ध्रुव से पहली बार मिलता हूँ, तो आपको देखा होगा तब मेरा स्मोकिंग सीन ही है, तब मैं उसको स्मोकिंग करते हुए पूरा कहानी बताता हूँ, तो वो बहुत कूल दिख रहा है मुझे अब, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने मेहनत की स्मोकिंग पे, तो वो बहुत कूल दिख रहा है। वो तो आपने, चलो इस हिसाब से जो फारूक की तैयारी की है चिंतन ने, आपने कहा कि आप पोएट्री भी करते हो, पोएट्री भी आपसे सुनेंगे, पर ये मुझे एक पूछना है कि ज़्यादातर इंजीनियर के स्टूडेंट क्यों एक्टर बनते हैं यार? हर कहीं देख लो, कुछ हर किसी बंदे करने ने के लिए हो, इंजीनियरिंग करी हुई है बैकग्राउंड में, और बाद में एक्टिंग में आ गया, और सबसे डिफिकल्ट है ये स्ट्रीम इंजीनियरिंग, और उसके बाद एक्टिंग में कैसे? ये मुझे कौन सी लगता है, पता है, मशीनें जो ठीक करते हो, कौन जैसे सी भी मशीनें ठीक करते हो आप लोग? यार, पता है, कोई रैंडम इंजीनियर्स नहीं होते, अगर आपने देखा होगा ना, सारे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर्स होते हैं, जैसे कि पहले हम माननीय सुशांत सिंह जी का नाम लेंगे, उनका क्या था कि वो आईआईटी में थे, आई थिंक आईआईटी में थे ना, एनएसआईटी में थे, बट उनका बहुत AIR 7 था आई गेस, पूरे AIIEE में वो पूरे 7वें नंबर पे थे पूरे हिंदुस्तान में, तो बहुत बड़ी बात है वो यार। और फिर दूसरे मुझे जहां तक पता है अमोल पराशर है, वो भी IIT दिल्ली के है, और एक और है सोनू सूद जी भी है, वो भी आई थिंक कहीं अच्छी कॉलेज से पढ़े, आर माधवन जी अच्छी कॉलेज से पढ़े, और सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो क्या है कि जब इतना पढ़ लेते हो ना, फिर तुम्हें लगता है कि अब मेरा एक्सप्रेशन क्या है, मैं अपनी एनर्जी बाहर कैसे निकालूं हाँ, इतना। उस क्लास, एक क्लास में आए तो फारूक का आपको किरदार किस तरीके से मिला, मतलब ऑडिशन कैसे हुए थे? यार पता है, ये है 2020 की बात, और मेरे को तब पहला मेरा एडवर्टाइजमेंट जॉब मिला था, तो मैं वो कर रहा था, और उसके बाद के दिन मुझे एक कॉल आया था कि एक नेटफ्लिक्स शो बना रहा है, उसके लिए आपको टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं तो खुशी खुशी चला गया था, व्हाई नॉट, ऑब्वियसली करेंगे हम। और वहां पर गया, कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे ब्रीफ दिया, 1 घंटा पूरा बैठ के ब्रीफ दिया था मुझे इस कैरेक्टर के लिए, तो ये बड़ी नई बात है, क्योंकि कैरेक्टर का ब्रीफ इतना नहीं मिलता व्हेन यू आर अ न्यू कमर एक्चुअली, लाइक नॉट इन अ बैड वे, बट हाँ ऑफकोर्स, लाइक इतना बड़ा ब्रीफ देना इज नॉट
फीजिबल टाइम हाँ वाइज भी, हर एक एक्टर को अगर इतना बड़ा ब्रीफ दोगे तो हो गया ऑडिशन। तो वहां पर मुझे 1 घंटा ब्रीफ मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस बात पर कि हाँ यार कि चलो ब्रीफ दे रहे, इतना मुझे मजा आ रहा है, मैं आगे जाकर इसको अच्छे से ऑडिशन दूंगा। तो ऑडिशन भी अच्छे से दे दिया, और तब मैं था मेरे इंजीनियरिंग के दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में था मैं। और फिर लॉकडाउन आ गया, फेब्रुवरी में ऑडिशन हुआ था, मार्च में लॉकडाउन आ गया, और फिर था अप्रैल में, ये सब महीने जा रहे थे हम तो बैठे थे घर पे, वो कौन सी कॉफी बना थे, डालगोना कौन सी कॉफी थी वो पी रहे थे, हमें लूसिफर देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे, पता नहीं क्या हमें तो खेल एक रहे ही थे पता है भाई, वो बॉर्नविटा वाली तो हम तो वही रील्स देख रहे थे, हाउस पार्टी ऐप आ गया था, क्लब हाउस ऐप आ गया था, ये सब चीजों में बिजी थे। और अचानक से मुझे कॉल आता है कि तुम्हें कैरेक्टर के लिए टेस्ट करना चाहते हैं दूसरे अच्छा वाले, तो तब मुझे आया था कि गुरफतेह सिंह जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं नीरज का, उसके लिए भी टेस्ट किया। फिर हाँ मुझे बल्ली के लिए भी टेस्ट किया, बल्ली भी एक है कैरेक्टर आपने देखा हाँ होगा अंदर। फिर एक ध्रुव का कैरेक्टर जो मेरे अपोजिट है, उसके लिए भी टेस्ट कर लिया, ये 3 4 कैरेक्टरों ने टेस्ट कर लिया। बट फाइनली मुझे जून जुलाई में वापस कॉल आता है कि डायरेक्टर को अच्छा लगा आपका टेक, कौन सा वाला, फारूक वाला सबसे पहला। तो मैंने बोला ओके बढ़िया है, चलो बहुत अच्छी बात है। और उनको फिर उनको रीटेस्ट चाहिए था, तो मैंने वापस बनाया, फिर एक आध हाँ महीने का वो हुआ, रीटेस्ट बहुत हुए, और फिर फाइनली मुझे एक शाम, मैं तो हमारे यहाँ राजकोट से हूँ मैं, तो राजकोट में क्या होता है 2 से 4 सब सो जाते हैं, खाना खा के मस्त सो जाते हैं, और फिर वापस उठते हैं, और फिर वापस जो काम करना होता है करते। तो मैं भी सो गया था, और 5 बजे मुझे कॉल, सॉरी मैसेज आता है प्रोडक्शन हाउस से कि हाँ भाई नेटफ्लिक्स ने आपको फाइनलाइज कर लिया है, आप फारूक को। तो वो मेरा मोमेंट था कि अरे मैं नेटफ्लिक्स का शो में हूँ अब। चलो, आपको फारूक तो मिल गया, पर आपने 3 4 ऑडिशन और दिए थे, तो अब देख के सीरीज लगता हाँ है कि जी मुझे ये वाला मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता था, कि फारूक से आप सेटिस्फाइड हो? यार, पता है क्या, ये सवाल ऐसा है कि जो मिला है वही मुझे अच्छा लगता है अच्छा हमेशा। पर अब तो जब ये प्रेज भी मिल रहा है फारूक को अलग से, तो अब तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि फारूक बेस्ट है। इनफैक्ट मुझे ये चाहिए था, पता है कि कोई भी कैरेक्टर हो, उनको कोई भी आर्टिस्ट को उसके कैरेक्टर से मतलब नहीं रहता। मेरे हिसाब से जो भी एक्टर होता है उनको रहता है मतलब स्क्रीन टाइम से, कि हम कितना दिखा रहे हो, अच्छे है या बुरे है उससे मतलब नहीं रखता, हमें ये है कि तुम हमें कितना दिखा रहे हो, विजिबिलिटी कितनी दे रहे हो। तो मेरे हिसाब से फारूक आई थिंक एट्रीब्यूट वाइज सबसे लेयर्ड कैरेक्टर लगता है मुझे एज अ डेब्यू आर्टिस्ट, बिकॉज ये मेरा पहला नेटफ्लिक्स का डेब्यू है, और इसके पहले मैंने कुछ ये नहीं किया थिएटर के सिवाय, और कुछ नहीं किया, तो ये डेब्यू, इनफैक्ट मैं यंगेस्ट हूँ इन सब के पूरे कास्ट में से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक थैंक यू चिंतन और फारूक, यू। क्लास हाँ के जी जरिए हमें क्लास सीरीज देने के लिए, और आपको आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो सो मच यार, थैंक यू सो मच निपुण।